బక్రీద్ సందర్భంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా జరుపుకునే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ పిలుపునిచ్చారు. రానున్న బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో పోలీస్ జీహెచ్ఎంసీ వక్స్ బోర్డుతో పాటు వివిధ సంఘాలు మత పెద్దలతో కలిసి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపి సివి ఆనంద్ మాట్లాడుతూ అక్రమ జంతు రవాణాను అడ్డుకునేందుకు నగర వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. అక్రమ రవాణాపై సమాచారం ఉంటే పోలీస్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. అక్రమంగా జంతువులను రవాణా చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సిపి హెచ్చరించారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సిబ్బంది సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లినప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. బక్రీద్ సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించే ప్రాంతాల్లో బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ ఇతర అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించనున్నారని తెలిపారు. इस मौके पर सभी मेरे मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मौके पर सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। पिछले दो सालों में हम सब ने ये कोविड की वजह से काफ़ी दुनिया भर में, देश भर में तकलीफ़ें उठाई हैं और जो भी ईद हो या दूसरे फेस्टिवल्स हो, उस मौके पर बाहर लोग आए नहीं थे, पर हम ये साल अभी देख रहे हैं कि ईद उल फितर हो, रमज़ान का महीना हो या श्री राम नवमी हो, हनुमान जयंती हो या दूसरे जो भी ईद आए हैं, सभी में आवाम बहुत ज़्यादा बाहर आकर इसको मना रहे हैं। पर मैं इस मौके पर सबको हिदायत देना चाहता हूं कि ये कोविड का सिलसिला फिर शुरू हो रहा है। हमारे अफसरा जो हैं उनमें एक दो को कोविड का रिपोर्ट हो चुका है। अभी अस्पताल में उन्होंने टेस्टिंग करवाया था, तो हम सब इसीलिए आज के ये बैठक में सभी को मास्क पहनकर आने के लिए कहा था। तो मैं मेरी तरफ से, सिटी पुलिस की तरफ से इस बात का मैं आपको परहाज करना चाहता हूँ कि इसके बारे में मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, जो भी हम दो साल से निभाते आ रहे हैं उसका हम अमल करें। आप सबको मौजूदगी हालात के बारे में तो पता ही है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। सब लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सबको जान पहचान है ये हालात कैसे हैं। हम सबको यही मैं कहना चाहता हूँ कि चौकन्ना रहने की ज़रूरत बहुत है, होशमंद रहने की ज़रूरत है। ये ऐसा मौका है जब सब्र का वक्त है और सब्र दिखाना और सब्र सिखाना सबको, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। लोग उकसाना चाहते हैं तो हमको उसको रिएक्ट नहीं होना है और जाल में नहीं फंसना है। और इसी बात पर मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि ये जो ईद है इसका स्पिरिट जो है उस पर हम कायम रहे। हैदराबाद शहर के बारे में तो हम सबको पता है, बहुत ही तारीखी शहर है, हज़ारों सालों का इसका तारीख है। गंगा जमुना तहजीब जो है ये मुल्क में ही नहीं दुनिया भर में इसका नाम है और सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ का पब्लिक जो है कैसे पेश आता है, यहाँ का आवाम जो है इसके बारे में सभी जानते हैं। मेरे अजीज अफसरां, आला पुलिस अफसरां जो बैठे हैं, मेरे प्यारे डीसीपी और जॉइंट सीपी जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं आपकी हिफाजत
के लिए जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब और ये बैठक में हाजिर हुए मेरे अजीज दोस्तों, अहम शख्सियत हजरात, मशाइकीन और बुजुर्गों, सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज ये बैठक जो थोड़ी मतलब पहले करना था पर हम कर सके हैं आज।